देश की प्रभुसत्ता अखंडता को बचाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो गया। ये यात्रा 3500 किलोमीटर 150 दिनों में तय करेगी और देश के 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरेगी। ये जानकारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र जाड़ ने हमीरपुर में दी। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए राजेंद्र जाड़ ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सत्तासीन भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक द्वेष उत्पन्न किए हैं, जिससे देश की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक ढांचे पर कुठाराघात हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन शगुन दत्त शर्मा ने कहा कि देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी की अगुवाई में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। आज से ये शुरू हो रहा है कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक इसका रूट है और इसमें 3500 किलोमीटर के करीब 150 दिनों में ये जो दूरी है ये तय की जानी है और इसमें 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करना है। उसके बीच में से कुछ उसमें हिमाचल भी एक प्रदेश है जिसमें से कुछ हिस्से से शायद गुजरेगी। अभी तक उसका मुकम्मल रूट नहीं आया है। कुछ स्टेट्स का जो अर्ली स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, ये दूसरे इन स्टेट्स का रूट है। उसमें आगे का रूट उन्होंने बनाना है, तय करना है। आंदोलन ये जो पदयात्रा है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जिस ढंग से आज देश की जो स्थिति है, देश में जो जाति पाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, देश की अखंडता और प्रभुसत्ता और जो देश की आज़ादी है जिस तरह से उसको खतरा बना हुआ है और जिस तरह से लोकतंत्र और संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसको तहस नहस किया जा रहा है और जिस ढंग से लोग त्रस्त हैं महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी जन विरोधी नीतियों से, उसके खिलाफ लोगों को जागृत करना और लोगों से सीधा संवाद इस यात्रा के दौरान करना, ये इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है। और देश को ये ताकतें तोड़ रही हैं और हम हैं कांग्रेस पार्टी जो देश को जोड़ने का काम इस यात्रा द्वारा करेगी। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो है उसकी आज 7 तारीख से जो है वो शुरुआत की है, जिसके अंदर आज सुबह 7 बजे श्री पेरम्बदूर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन राजीव गांधी मेमोरियल के ऊपर किया गया और आज शाम को जो है वो 5 बजे जो है वो हमारी यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये यात्रा जो है वो लगभग 3500 किलोमीटर पूरे भारतवर्ष में जाएगी और 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा का जो है वो आयोजन उनके नेतृत्व में होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला है जो हिंदुस्तान में एक आर्थिक विषमता इस पिछले 8 वर्षों में देखी गई है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो है वो पूरा देश जो है वो खेल रहा है और भारत की जो आम जनता है वो गरीब होती चली जा रही है। उसी तरह से जो भारत के संवैधानिक संस्थान हैं उन संवैधानिक संस्थानों को जिस तरह से तहस नहस से सरकार ने किया है उसके ऊपर भी जो है वो राहुल गांधी जी भारत के विभिन्न लोगों से मिलेंगे और ये प्रधानमंत्री के मन की बात की तरह का कार्यक्रम नहीं है। इसमें हम जनता के, आम जनता के, सिविल सोसाइटी से संबंधित लोगों से और जो भी चाहे वो मछुआरे हैं चाहे वो अन्य समाज का वर्ग है जो जो इसमें राहुल गांधी जी को अपना सुझाव या अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाएगा वो उनसे मिलेंगे। इस पूरी की पूरी यात्रा के अंदर कोई बड़े लंबे लंबे भाषण नहीं होंगे, इसके अंदर राहुल जी जो हैं वो भारत की जो आवाज़ है उसको दिल्ली दरबार पहुँचाने के लिए आम भारतीय के, आम नागरिक के क्या क्या मुद्दे हैं उनको लेके जो हैं वो इस यात्रा को करने जा रहे हैं। ये यात्रा अभी गुजर रही है, इसके बाद आने वाले 5 महीने में जो अन्य प्रदेश रह जाएंगे उनमें भी इस यात्रा का जो आयोजन है वो AICC करने जा रही है और इसका एक थीम सॉन्ग जो है वो हमने लॉन्च किया है, एक तेरा कदम एक मेरा कदम बढ़ जाए मिल जुड़ जाए अपना वतन। तो इस थीम के साथ जो है
वो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो स्टार्ट की जा रही है।